में एक सशक्त सरकार बनवाएं। सर, जौनपुर की सियासी समीकरण जो है आपके समर्थन के बाद बिल्कुल ही बदली हुई नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस बार जीत उन्हीं की होगी। कोई ऐसा है जो दावा करता है हमारी जीत नहीं होगी? विपक्ष के दावे खोखले। विपक्ष 2014 में भी दावा किया, 2019 में भी दावा किया, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा 2014 में 272 के पार कर लिए, 2019 में कहा 300 पार कर लिए, इस बार उन्होंने 370 पार भाजपा की बात कही। हो सकता है इस बार 370 भी पार करे भाजपा। मैम, आपको लग रहा है कि अगर धनंजय सर मैदान में उतरते, चुनावी मैदान में होते, तस्वीरें बिल्कुल अलग होती जौनपुर की? जो आज वर्तमान जो है आप बता दीजिए। सर, आपको लगता है कि आप अगर मैदान में होते तो जौनपुर की पूरी तस्वीर बदली हुई होती आज? आज जो वर्तमान उसकी बात करिए, क्या होता उसकी बात छोड़ दीजिए। आज जो है वो बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं सब लोग। सर, लेकिन विपक्ष का कहना है कि धनंजय सिंह का सियासी पैतरा है, ये समर्थन नहीं मिल रहा बीजेपी को, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट काटने का काम करेंगे धनंजय जी। विपक्ष सब बात सही कहता है क्या? विपक्ष की बातें देखिए, राजनीतिक इन लोगों के अपने कह सकते हैं कि हम जुमलेबाजी होती है, वही करते हैं और बाकी ऐसा कोई वो नहीं है। हम लोग पूरी तन्मयता के साथ, एक एक हमारा समर्थक सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर लगा रहा, काम किया और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवा भी रहा यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे बीच बाहुबली नेता धनंजय सिंह जी थे, जिनका ये कहना है कि गृह जनपद है और सबसे पहले वो आकर वोट करते हैं और उसके बाद जौनपुर की जनता जो है वोट करती है, और इसके साथ ही उनका कहना है कि इस बार जीत बीजेपी की ही होगी, और तमाम जनता से भी उन्होंने अपील की है कि बीजेपी को वोट करे। कैमरा पर्सन रजा के साथ शावनी पटनायक, न्यूज़ 1 इंडिया।